होशंगाबाद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सीताशरण शर्मा और भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए सरताज सिंह दोनों ने स्थानीय सेठानी घाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन किया। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी सरताज सिंह सपत्नी नर्मदा घाट पहुंचे और मां नर्मदा का पूजन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कपिल फौजदार सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय दुबे, पूर्व विधायक अंबिका शुक्ला मौजूद रहे। वहीं कुछ देर बाद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सेठानी घाट पहुंचकर नर्मदा पूजन किया। एसडीएम कार्यालय में नामांकन के दौरान एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी सरताज सिंह ताज अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, उसी समय डीजे पर प्रत्याशी डॉक्टर सीता शरण शर्मा केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी सरताज सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। वहीं सरताज सिंह ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती और बीजेपी प्रत्याशी सभा को संबोधित करने के लिए कार्यालय के बाहर नामांकन दाखिल करने चले गए। तीन समस्याएं आपको बताई, इसका हल करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार इसमें विफल रही। सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों के रोजगार की, इसका हल तभी निकल सकेगा अधिक से अधिक उद्योग लगा सके। उद्योग लगाने के प्रयास हुए, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट बुलाई गई, बहुत पैसा खर्च किया गया, MOU साइन हुए, लेकिन सैकड़ों MOU साइन तो हो गए, इंडस्ट्री एक भी नहीं आई। अब इस कारण के लिए विचार करना पड़ेगा, और मूल कारण ये है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें कमी है। वो इतना निरंकुश हो चुका है कि उसका काम केवल शोषण करना है,